हेलो फ्रेंड्स, जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर 2020। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका जिसका भी जवाब सही मिलेगा उसका नाम यहाँ से अनाउंस किया जाएगा अगले वीडियो में। तो यदि भी आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे चैनल से अनाउंस किया जाए तो लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नए नए अपडेट्स तथा आपकी तैयारी के लिए अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तराखंड, यानी डी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। यहाँ देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। योजना के तहत लाभार्थियों को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना कौन शुरू किया है? अगला है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का किसे प्रदान किया है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। नॉर्वे के नोबेल कमेटी ने इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को सम्मानित किया है। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु उल्लेखनीय प्रयासों के तहत यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साल 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई थी जो गंभीर रूप से क्या कहते हैं भुखमरी के शिकार थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित एक संयुक्त राज्य एजेंसी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, इसको आप जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये हमारा देश भारत ने किया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत ने ही हाल में ही सफलतापूर्वक लड़ाकू विमान Sukhoi-30 से रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने तैयार किया है। यह मिसाइल हवा में भारतीय लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को बढ़ाएगी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत में बनाई गई ऐसी यह पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। तो यह आपका साइंस टेक का पार्ट है, इसको कह सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हर साल 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ सके और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो की गई थी 10 अक्टूबर 1992 में, ये भी डेट आपको याद रखना है। आजकल ट्रेंड बन गया है, आपको शुरुआती डेट पूछ लेता है किस दिन से शुरू किया गया है, तो ये डेट आपको याद रखना है। अगला है, भारत और अमेरिका के बाद अब किसने टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो ये पाकिस्तान ने बैन किया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ने
भूतपूर्व सैनिकों को समूह खा के पदों के लिए कितने परसेंट आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? तो ये 5% किया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह खा के पदों पर 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। इसके तहत इसमें क्या करना है, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1993 की धारा 1 खंड 1 का में संशोधन के की कार्यवाही की अनुमति दे दी है। यह 5% आरक्षण किसको दिया जाएगा? थल सेना, नौसेना, वायुसेना, यानी तीनों सेना के रिटायर या पूर्व सैनिकर्मी को दिया जाएगा। यह आरक्षण समूह खा के कर्मचारियों के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपका, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिंटी अग्रवाल। इसका अगला देखिए, मिंटी अग्रवाल, ये क्वेश्चन आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा जरूर, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातर को किस स्कूल ने डीन के लिए नामित किया है? तो यह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय मूल के श्रीकांत दातार ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है। ये 2 जनवरी 2021 से अपना पदभार संभालेंगे और ये 11वें डीन है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर भी याद रखना है, किस नंबर के हैं, तो 11वें डीन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो ये गोवा ने किया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोवा ने देश का पहला हर घर जल राज्य बनाने की अनूठा गौरव हासिल किया है। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू जल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है। सरकार ने जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी गांवों को पाइपलाइन से पानी मुहैया कराने का टारगेट रखा है। गोवा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक 100% घरों में जल ये जो है नल कनेक्टिविटी मुहैया कराया जाएगा, कराया है नहीं। जल जीवन मिशन के का जो लक्ष्य है, ग्रामीण समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, उनके रहन सहन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करने का इसका मेन लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैबिनेट में राजधानी में ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये आपका दिल्ली है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट के ने राजधानी में ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट के आने पर में आने वाले जो पेड़ हैं उसमें 80% जो है प्लांट करना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में 80% जो है ट्रांसप्लांट करने के साथ साथ जो पेड़ काटे जाएंगे उससे 10 गुना पेड़ अधिक लगाए जाएंगे। अगर मान लो रास्ते में कोई प्लांट आ जा रहा है, काटना पड़ रहा है, तो मान लो 2 प्लांट काटा गया तो 10 गुना यानी कह सकते 20 पेड़ आपको अलग से लगाना होगा। ये पॉलिसी लागू की है दिल्ली सरकार ने, बहुत अच्छा है। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को देखते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको इसका जवाब आता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख भेजिए, अगले वीडियो में हम आपका नाम यहाँ से अनाउंस करेंगे। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? यहाँ ऑप्शन ए है पंजाब, बी है आपका हरियाणा, तीसरा है उत्तराखंड, इन और डी है नन ऑफ द एबव। इनमें से कौन सा आंसर सही है इसको आपको जवाब देना है। तो आई होप आपको काफ़ी क्वेश्चन आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीएस ज्ञान ट्यूब से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।